चलिए भाई, मैं सबको वेलकम करता हूँ स्टूडेंट्स को यहाँ पर। और सबसे पहले हमारे न्यू कैंडिडेट से आपको मिलाना चाहेंगे। ही इज मिस्टर संतोष, और आज ही आए हैं। अभी कोई मुश्किल से आधा एक घंटा हुआ है इनको, और अभी इनका पटना पटना से हुआ। पटना सर। ओके, थोड़ा सा बताओगे अपने बारे में कुछ? मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं पटना बिहार का रहने वाला हूँ ओके, और मैं केंद्रीय विद्यालय में लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई किया था। वेरी गुड। ये मैडम प्रमिला है, ये जी कंप्यूटर के हैं, तो आप इनसे कंप्यूटर रिलेटेड बातें पूछ जी सकते हैं। कोई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, आपने भी डिप्लोमा किया है। जी मैंने हार्डवेयर कंप्यूटर में हार्डवेयर डिप्लोमा किया है और और मैं अपना ये मिस्टर प्रहलाद है, और अब जो कैंडिडेट्स नए आएंगे वो रेंडमली आते हैं, तो मैं आपको मिला दूंगा सबसे। ओके, देखो प्रहलाद आपको हाई लो कर रहे हैं। और नेक्स्ट मैडम को आप अच्छे से जानते हैं, शी इज ऑल्सो फ्रॉम पटना फॉर लाइब्रेरियन पोस्ट। एंड नेक्स्ट वी हैव अ कैंडिडेट फॉर मैथमेटिक्स, एंड नेक्स्ट वी हैव अ कैंडिडेट फॉर लाइब्रेरी। ओके, मोनिका वुड बी अकॉम्पनिंग इन दिस इंटरव्यू। ओके, शी विल बी आस्किंग यू लॉट मेनी क्वेश्चंस। तो कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन प्रहलाद से आप पूछ सकते हैं फर्स्ट। हाँ जी, सर, पूछिए पूछिए। क्लास सर, आप नंबर नोटी वन, स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे अपनी क्लास में? हाँ एक बार दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। श्योर सर, आप नोटी स्टूडेंट्स को कैसे हैंडल करेंगे अपने क्लास में? किस टाइप के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, समझ नहीं आया। नोटी स्टूडेंट्स, हाउ विल यू हैंडल दी नोटी स्टूडेंट्स इन योर क्लास? ओके 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 ओके। मैम ये किस लेवल की बात कर रहे हैं आप? PIT, TGT, PGT, किस लेवल के बच्चे की बात कर रहे जिस हैं? लेवल के लिए आप जा रहे हैं सर। ऐसा होता है कि जैसे हम TGT के लिए जा रहे हैं, तो TGT की एज में उस समय बच्चों की एज लगभग 14 से 18 साल के बीच की मानी जाती है, ऐसा होता है। और ये जो अवस्था होती है किशोरावस्था कही जाती है, और वह संघर्ष और तनाव की अवस्था होती है बच्चों के लिए। और उसमें उनको समझ में नहीं आता हमें आगे करना क्या है, कभी कभी वो अपनी दिशा से भटक भी जाते हैं। तो उसके लिए बेसिकली हमें उसका मूल कारण पता करना पड़ेगा, ऐसा बच्चा क्यों कर रहा है। क्लास में ही शरारत करता है तो उसका कुछ अलग सलूशन निकालेंगे। अब अगर वो क्लास के बाहर भी कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो थोड़ा सा पथभ्रष्ट हो चुका है। मूल कारणों को हमारे उसके बच्चे चार परिवार में से, टोली हाँ उनको परिवार बेटे से, को या लेने जहाँ जाना से भी हमें पड़ेगा सोर्सेज क्या अवेलेबल हो टीचर को अटेंड पता करना करने था? का पता करके अटेंड उस पर विशेष काम करना पड़ेगा। वो करना किस टाइप की ठीक शरारतें कर रहा है हमें है उस पर काम करना पड़ेगा हमें। बाय। ओके, हेलो सर, लाइब्रेरियन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए बताएंगे? उज्ज्वल जी, देखिए लाइब्रेरियन सर, में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए उसके बारे में हमें देखिए डिस्कशन करें। सर, सबसे पहले तो लाइब्रेरियन में गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, और एक लाइब्रेरियन में पेशेंस होनी चाहिए, यानी उसे सहने की जो क्षमता होती है वो होनी चाहिए। नहीं कि लाइब्रेरियन बौखला जाए, थोड़ी सी भीड़ लगे और बौखलाना चालू हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए उसे, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और अन्य बहुत सारी हैं जो कि आप सर से पढ़ेंगे भी। और आप ये बताइए सर कि आपके BSc में क्या जानते हैं? जी सर, KVS के बारे में आपके BSc के बारे में क्या जानते हैं? केंद्रीय जी विद्यालय जी भारत सरकार की एक संस्था है जिसमें जी बच्चों को, मतलब सरकारी, जिनके पिता सरकारी नौकरी होते हैं या जिनके फैमिली बैकग्राउंड होता है उनका एडमिशन होता है उसमें। ज्यादातर वही बच्चे जी पढ़ते हैं जिनके पिताजी या फैमिली ग्राउंड में जो सेंट्रल में जॉब करते। जी जी सर, आवाज़ बंद हो गया सर। हाँ जी, आप मैम, बताइए कुछ मैम जोड़ी। हाँ, शी वांट टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम अलका। यस, ओके ओके, टीचर है मैम। हाँ आपको कुछ बताइए हिंदी के बारे में। आवाज आवाज नहीं नहीं आ रही आ सर, रही है। हिंदी के इम्पोर्टेंस बताइए। अच्छा, हिंदी की इम्पोर्टेंस। हिंदी, जैसा कि हिंदी नाम से ही है कि हिंदी का जो नाम है उसका अर्थ ही है कि हीनता को नष्ट करे। मतलब अगर हम हिंदी को पढ़ते हैं, चाहे कहानी पढ़े
अगर किसी कहानी से हमें कुछ ज्ञान मिलता है तो अगर हमारे अंदर वो कमियां हैं तो वो दूर होती है। जैसे किसी ना, हर कहानी का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, तो उससे हम कुछ ना कुछ सीखने को पाते हैं। ऐसे ही नाटक है, कविता है, गद्य है, पद्य है, और अपने जैसे पद्य पढ़ते हैं तो उससे हमें आनंद की भी प्राप्ति होती है, रसमयता भी होती है। सर मेरा क्वेश्चन आदित्य सबसे है कि लाइब्रेरी से आप क्या समझते हैं? आदित्य मैम, आप कुछ इसी सर, पे ऐड करना चाहेंगी क्या? आप पूछना चाह रही थी मैं बहुत। शी इज हैविंग अ डिफरेंट सब्जेक्ट सो शी कांट, शी इज हैविंग अ लाइब्रेरी, बट आदित्य आर यू गेटिंग द वॉइस? सर हाँ क्वेश्चन पूछो। सर मैम, ई मुझे ग्रंथालय से आप क्या बताइए। समझते हैं? ई ग्रंथालय, आवाज नहीं आ रही है सर। ई ग्रंथालय, ई ग्रंथालय की बात कर रहे हैं, ई लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं ई लाइब्रेरी से? ई ग्रंथालय का मतलब इसमें इसमें डिजिटल ग्रंथालय को अलग रखा गया है सर, ई लाइब्रेरी ई ग्रंथालय से सर। ई ग्रंथालय से हम कहीं भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं सर। ई ओके ग्रंथालय में सभी बुक जो है सर, वो मतलब नोट्स फोन में, लैपटॉप में, सभी जगह रहते हैं सर। यस। सर, अनुशासन और आचरण में क्या अंतर है? पहला अलका कैन एंड प्रहलाद कैन आंसर बेटर, बताइए। आंसर प्लीज बताइए। अनुशासन और आचरण में क्या अंतर है? प्रहलाद, अलका, यू कैन ट्राई, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ हिंदी। सर प्रश्न क्या पूछा गया है? शालिनी कम अनुशासन फ्रंट और एंड आस्क, आगे आचरण आइए और फिर में क्या पूछिए अंतर है? क्वेश्चन। सर, अनुशासन और अनुशासन है ना, आचरण, आचरण। जी, देखिए अनुशासन में एक ऐसा मतलब एक तरह से ऐसे कुछ रूल होते हैं जिसको यस बोलिए मिस्टर सर उसके लिए प्रहलाद। मैंडेटरी हो जाता है। नहीं चाहते हैं सर, वॉइस आपकी रुक रही है प्रहलाद। मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी कभी आ रही है, आप ट्राई करो दोबारा एक बार। मैम, अनुशासन का मतलब ये होता है कि जैसे कि कुछ रूल बनाए जाते हैं उसका पालन करना, ये अनुशासन के अंतर्गत में आता है। जैसे कि हम विद्यालय में पढ़ने जाते हैं तो हमें प्रेयर के लिए कब जाना है, कितने बजे जाना है, हमें क्लास में कैसे बैठना है, ये चीजें अनुशासन के अंतर्गत में आती है, जो कि एक बेसिकली पार्टी है। आचरण वो होता है बच्चे के अंदर निहित होता है कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। अगर कोई छोटा है तो उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, बड़ा है तो कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें कैसे बैठना चाहिए, समाज में कैसे चलना चाहिए, जो चीजें उसको सिखाई तो जाती हैं, लेकिन उस पर हम प्रेशर नहीं कर सकते हैं कि आपको ये करना ही करना है। लेकिन अनुशासन में आपको वो चीजें करना ही पड़ता है। अगर आप प्रेयर के लिए जा रहे हैं तो एक रो में जाइए, और अगर आप ही कर रहे हैं तो आप दबाव नहीं डाल सकते उसको, उसके आचरण में आता है। इसलिए ही फर्क होता है अनुशासन में और आचरण में। बहुत अच्छा, वेरी थैंक गुड यू अलका, सर। यू शुड ऑल्सो गिव क्वेश्चन टू शालिनी। यस सर एक हाँ क्वेश्चन और है। सर, जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हम लोगों ने सभी ने साइकोलॉजी में पर्सनालिटी पढ़ा हुआ है, ठीक हाँ जी, है, जिसका क्या अर्थ होता है पर्सनालिटी का? हाउ वी बिहेव इन अ गिवन व्यक्तित्व, सिचुएशन। व्यक्तित्व नहीं, व्यक्तित्व मैम होता है जिसका, और पर्सनल, उसी में हमने एक पढ़ा है मुखौटा, परसोना। यस तो इन दोनों में पर्सोना, अंतर क्या है? पर्सनैलिटी और पर्सोना में अंतर क्या है? आई थिंक पर्सोना से पर्सोना सर इज अंतर समथिंग व्हेन द साइकिल। वी आर डीलिंग विद आउटर वर्ल्ड। और अदर अलका विल ट्राई। पर्सोना से ही शायद पर्सनालिटी बनी हुई है, जहां मैंने कभी पढ़ा था, मुझे जो याद आ रहा है, जो पर्सनालिटी शब्द बना हुआ है वो शायद पर्सोना से ही निर्मित है क्या मैम? मैंने यस तो यस अभी पढ़ा नहीं हाँ रिसेंटली। हाँ यस मैम, आपने सही पढ़ा है, यही मैंने साइकोलॉजी में भी पढ़ा है कि पर्सोना से ही पर्सनैलिटी बना है। तो राइट right. वही ये पर्सनैलिटी हो गया व्यक्तित्व, और वो हो गया मुखौटा। तो अंतर क्या है इनमें? व्यक्तित्व वही है कि मुखौटा जो हम दिखाते हैं वही हमारा व्यक्तित्व है। जैसा कि फ्रायड ने कहा है कि 10% ही आप किसी को देख के समझ सकते हैं उसके व्यक्तित्व को, 90% आप नहीं समझ सकते हैं। तो एक तरह से वो जो मुखौटा है कि हम जो दिखाना चाहते हैं वही आप देख सकते हैं, दूसरा कुछ नहीं देख सकते। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। सर आप कुछ दीजिए इस पे। हेलो।
मैम परमिला मैम से मेरे मेरे क्वेश्चन है। हेलो हाँ जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन है, व्हाट इज योर टीचिंग फिलोसफी? Anybody can try? आप ट्राई करोगे शालिनी? समझ में नहीं आया मुझे। आपकी टीचिंग फिलोसफी क्या है? मेरी टीचिंग फिलोसफी है कि मैं बच्चों को बहुत शॉर्ट टर्म में बताने की कोशिश करती हूँ, उनकी रियल लाइफ से रिलेट करती हूँ चीजों को। Okay. और मेरी फिलोसफी है कि मैं चीजों को कोशिश करती हूँ बच्चों को उनके आचरण में डाल दूँ, उनकी व्यवहार में डाल दूँ इन चीजों को। जो भी चीज बताऊं उनके व्यवहार में आ जाए तो वो चीज भूले ही ना, रटने वाली चीजों को मैं बिल्कुल हटा दूं, जैसे व्यवहार में आ जाए तो रटने वाली चीज ही नहीं रहे। वेलकम, ये मेरी कुछ ऐसी फिलोसफी है। वेरी, कोई और ऐड करना चाहेगा अपना? अलका, यू वांट टू ऐड समथिंग? प्रहलाद, यू वांट टू ऐड इन योर टीचिंग फिलोसफी? नहीं सर। प्रमिला, यू वांट टू ऐड? आपकी टीचिंग फिलोसफी क्या है, कुछ बताइए स्टाइल, अपना अंदाज बढ़ाने का। सर बताइए, जैसे कि तत्सम हम लोगों को जब ब्लोम शब्द करते हैं ना, तो तत्सम का तत्सम के तत्सम में करते हैं, तद्भव के तद्भव में करते हैं, राइट ना? राइट। तो इसी तरह से छोटा का विलोम क्या हो जाता है सर? क्या सुना नहीं मैंने, क्या होता है छोटा का विलोम शब्द क्या होगा? बड़ा होगा, छोटा छोटा बड़ा होता है, तो फिर नाटा का क्या होगा? नाटा का क्या होगा फिर? नाटा का जी नाटक लंबा, नाटक का लंबा, नाटक लंबा कि छोटा का लंबा होगा, बड़ा और लंबा, छोटा और लंबा? नहीं, छोटा का तो आई थिंक बड़ा होना चाहिए, थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है ये चीज, छोटा नाटक होना चाहिए कि छोटा लंबा होना चाहिए? नहीं, छोटा के साथ हमेशा, तो जैसा हम लोग हिंदी ज्यादातर तो बोलते हैं और सुनते ही सीख जाते हैं, छोटा बड़ा एक साथ ही है अमूमन हम लोग प्रयोग में लाते हैं। राइट राइट, तो यानी नाटा और लंबा होना चाहिए। अब नाटा का मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकती, पर छोटा का तो लंबा होगा, इसका तो मुझे है आइडिया। लंबा और नाटा ऐसा हो सकता है। लाइब्रेरी वाले से क्वेश्चन है मेरा सर। हाँ जी, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? क्या था इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन का उद्देश्य? हाँ जी, एनीबडी? उज्जवल, चलिए आप ही बता दीजिए। नहीं सर, मुझे नहीं पता, अभी हमारी एक्सपर्ट चंदा नहीं आई, अदरवाइज वो बहुत एक्सपर्ट है इस चीज में, वो आपको जरूर बताती, बट नो प्रॉब्लम। हाँ बताइए सर। मेरे हिसाब से लाइब्रेरियन का उद्देश्य यही था हिंदी विद्यालय में, क्योंकि बच्चे को बुक वगैरह सही मिले और सही समय पर मिले, बच्चे को रुचि बढ़ाने के लिए की व्यवस्था की जाए। एक क्वेश्चन मुझसे पूछा किसी ने, पर उसने आंसर नहीं दिया मुझे। पूछा था कि ना ब्लैक बोर्ड के कितने टाइप, कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं ब्लैक बोर्ड को, मुझे भी इसका आंसर नहीं बताया, उन्होंने भी बताया नहीं मुझे। क्या होगा इसका आंसर, ब्लैक बोर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड करती है? बोर्ड को शायद चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ऐसा कुछ हमने सुना है, चार पार्ट में। चार पार्ट में कैसे कैसे? हम बता नहीं सकते मैम, टॉपिक आगे लाओ इसको। यस मैम, टॉपिक क्या उज्जवल सर बताना? और एक मेरा क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है इसका आंसर? हाँ बिल्कुल सर। हाँ बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए सर। जी सर, स्कूल लाइब्रेरी की क्या है ये बताया जाए।
स्कूल लाइब्रेरी स्कूल लाइब्रेरी की भूमिका, व्हाट इज द रूल ऑफ द स्कूल लाइब्रेरियन। हाँ जी, स्कूल लाइब्रेरी के बेनिफिट्स, बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक करना, बच्चों के मन में पढ़ाई के प्रति जागरूक, बुकों के प्रति उनका अट्रैक्शन बढ़ाना। जी जी ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित भी करना, जो बच्चे मतलब इकोनॉमी थोड़ा सा मतलब अथी है उससे, उसको बुक देके प्रोवाइड करके अच्छा शिक्षा ग्रहण कराना। आदित्य डिसिप्लिन भी मेंटेन सर, अपना पिछला क्वेश्चन, अपना अपना पिछला क्वेश्चन जो है, पिछला क्वेश्चन वो दोहरा दीजिए, क्योंकि विकास सर आ गए हैं, आंसर देंगे आपको। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप एसोसिएट क्लासिफिकेशन डिफाइन करिए। रुकिए, मोनिका मैम बोल रही हैं। हाँ बोलिए मैम। विकास सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन को डिफाइन करिए थोड़ा। जी मैम, लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन तीन तरह से किया जाता है, सीसी, यूडीसी, डीडीसी और सीसी। यूडीसी मतलब यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, डीडीसी मतलब डेबी डेसिमल क्लासिफिकेशन, और सीसी मतलब कॉलन क्लासिफिकेशन। और एक कॉलन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत सीसीसी आता है, क्लासिफिकेशन कैटलॉग कार्ड आता है, जो कि 1934 में आया था। और ये जो कॉलन क्लासिफिकेशन आया था वो 1933 में आया था। यूडीसी जो आया था वो 1905 में आया था। और डीडीसी जो आया था, डीडीसी इट में भी 1867 में आया था मैम। डीडीसी को डिफाइन करिए थोड़ा। जी मैम, यूडीसी, जी मैम, डीडीसी में टेबल बने होते हैं, इसमें इसमें चार वॉल्यूम होते हैं सर, चार वॉल्यूम होते हैं मैम, जिसमें कि फर्स्ट वॉल्यूम में टेबल्स होते हैं, जो कि नया जो एडिशन आया है वो 23rd एडिशन आया है, उसके अंतर्गत ये 2011 में लाया गया। इसमें 6 वॉल्यूम है। इसके पहले जो सबसे प्रचलित वॉल्यूम है वो 19th एडिशन है, जिसमें कि 7 वॉल्यूम होते थे, लेकिन इसमें 6 वॉल्यूम किया गया है। उसके नीचे उसके सेकंड और थर्ड वाले में शेड्यूल को डाला गया है। शेड्यूल में 0 से लेकर के 599 तक है, फिर 600 से 999 तक है। ये शेड्यूल में, ये जो दो वॉल्यूम है वो शेड्यूल में बटा हुआ है। और उसके नीचे जो होता है वो इंडेक्स होता है, इंडेक्स स्पेशली केवल यूजर्स के लिए होता है। और ये जो बाकी जो तीन वॉल्यूम होते हैं ये सभी केवल लाइब्रेरियन के लिए होते हैं, वहां पे स्टाफ कोई काम नहीं कर पाता। उसमें जो टेबल बने, ये जो शेड्यूल होता है इसको 10 भाग में बांटा गया रहता है। 10 भाग में, जैसे कि पहला जनरलिटीज एंड कंप्यूटर आ गया 000 में, जिसमें कि सभी, जिसका भी आपका सब्जेक्ट नहीं मालूम होता है वो आप जनरलिटीज एंड कंप्यूटर में डाल सकते हैं। किसी का भी सब्जेक्ट यदि आपको नहीं मालूम रहता है तो वो उसमें डाल सकते हैं। फिर इसके सेकंड में आता है फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। फिर थर्ड में आता है रिलीजन आ जाएगा। फिर फोर्थ में आ जाएगा सोशल। फिर उसके नीचे में आ जाएगा लैंग्वेज। फिर उसके नीचे में आ जाएगा प्योर साइंस एंड मैथमेटिक्स। एंड उसके नीचे आ जाएगा लिटरेचर एंड अप्लाइड साइंस। ठीक है, अप्लाइड साइंस आ जाएगा मैम। और उसके नीचे में आपका आर्ट्स आ जाएगा। फिर उसके नीचे में लिटरेचर आ जाएगा। और सबसे लास्ट वाला जो होता है वो ज्योग्राफी, बायोग्राफी एंड ये हिस्ट्री। ये सभी सारे पार्ट्स होते हैं, ये सब्जेक्ट्स होते हैं, और इनका नंबर आपको अलग अलग कैटेगराइज किया जाता है मैम। और मैम सबसे बड़ी चीज क्या है कि यूडीसी जो है ये भी एकदम जस्ट लाइक सिस्टम है, ये यूडीसी का एकदम कॉपी राइट। और जो कॉलन क्लासिफिकेशन हुआ सर, इसमें PMEST, ये 5 जो कि एक रूम के कमरा का क्या होता है कि जो पिलर होता है, ये कॉलन क्लासिफिकेशन के ये 5 पिलर्स हैं। PMEST, PA फॉर पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि हम लोग एक दूसरे के पर्सनैलिटी को बहुत कम पहचान पाते हैं। एक 10 मिनट के किसी के मीट से नहीं पता लगाया जा सकता है कि उसका नेचर क्या है, तो वैसे ही पर्सनैलिटी को पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। और M फॉर मैटर होता है, E फॉर एनर्जी होता है। एनर्जी को कोलोन, जो कि बिंदु बिंदु होता है, वो कोलोन, इसका सबका एक साइन होता है सर।
जो कि पर्सनालिटी को कॉमा से सेपरेट किया जाता है, मास को डॉट से सेमी कॉलन से किया जाता है, फिर एनर्जी को कॉलन से किया जाता है, एनर्जी और एस फोर स्पेस हो गया, स्पेस को फिर डॉट से किया जाता है, और टाइम को, टाइम जो हो गया उसको भी इन्वर्टेड कॉमा से, सिंगल इन्वर्ट, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से ये इसको क्लासिफाई किया जाता है। आदित्य सर कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, एक क्वेश्चन है वो कर लीजिए सर, आप आंसर ले लीजिए उसके बाद आगे चलते हैं। आदित्य सर सुन रहे हैं आप, क्वेश्चन कर लीजिए। ऑल इंडिया लाइब्रेरियन एसोसिएशन का उद्देश्य क्या था? ऑल इंडिया लाइब्रेरियन एसोसिएशन का मेन उद्देश्य था सर, जहां तक कि रिकॉल तो नहीं कर पा रहे हैं, बट ऐसे कहा जा सकता है कि ऑल जो कि स्पेशल जो लाइब्रेरी है और आम जो लाइब्रेरी है जो कि वो सबको इंक्लूड किया जा सके, जो कि अंग्रेज भी जो है जो कि ड्यूटी वाले हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो सके, और प्लस में जो आम लोग हैं वो भी वहां पे आकर के सबको शामिल करके और वो लाइब्रेरी को लाइब्रेरी के अंदर ज्ञान को अर्जित किया जा सके। थैंक यू सर। यदि अगर आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें तो बता सकते हैं। यस प्रहलाद सर, आप ही इंतजार हो रहा था, आप आंसर दे चुके हैं। सर मैं एक क्वेश्चन पूछूं? हाँ जी शालिनी, सोनी मैडम से पूछो, यहाँ पर अलका है, प्रहलाद है, हिंदी का नहीं, सभी बताइएगा। सिचुएशन इस टाइप का है कि जैसे कि हमने देखा है कि आजकल ना बच्चे बहुत केयरलेस हैं, अपने बैग शूज यूनिफॉर्म यहाँ तक कि अपने खुद की वाटर बोतल को भी ऐसे केयरलेसिंग में डाल देते हैं, तो हमको कैसे उनको रिस्पॉन्सिबल बनाए, किस तरह बना सकते हैं उनको रिस्पॉन्सिबल? सोनी आप सर, मैं एक बार नहीं बोले, एक बार भी आप ऐड करना चाहोगी कुछ? अनम्यूट कीजिए। जी सर। हाँ जी, कैसे जी सर? एक बार दोबारा से बताइएगा मैम। अच्छा ओके सर, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन, कि बच्चे बहुत केयरलेस होते हैं अपने, यानी कि यहाँ तक वाटर बॉटल अपना नोटबुक पेंसिल सब छोड़ देते हैं कहीं भी, तो उनको कैसे रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए? रिस्पॉन्सिबल मैम दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो पहले तो उनको वो चीज़ सजेस्ट किया जा सकता है कि आपको ऐसा नहीं करना है, या जो कि जो बच्चा केयरलेस होते जाता है, सबसे पहले हम अपने अंदर एक डिसिप्लिन को ये करेंगे, फॉलो करेंगे, तो बच्चा देख करके सीखता है। बच्चा के क्या होता है कि कोई चीज़ को देखेगा और फिर सीखेगा, तो कहीं ना कहीं ये हमारे कल्चर में, हमारे रहन सहन में, वहाँ का माहौल कैसा है उसके अनुसार बच्चा सीखता है। तो वो माहौल हम ऐसा बनाएंगे, उस चीज को मेंटेन करेंगे, उस चीज को रखेंगे, तो बच्चे को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे कि उन्हें ये काम रोज करना है, धीरे धीरे उनका उनकी आदत भी बनाएंगे इसमें। इसमें उनके गार्जियन की भी मदद ले सकते हैं कि उनके अपना जो उनकी जरूरत की चीजें हैं जो बच्चे कर सकते हैं उन्हें आप करने दीजिए। ऐसा आजकल क्या होता है कि गार्जियन क्या करते हैं, बच्चों को पूरी तरह सोचते हैं प्रोटेक्ट कर ले, बच्चा मेरा हील ही ना पाए, और यही सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों को केयरलेस बनाने की, हर चीजों से मतलब एक तरह से बंद कर देने की। बच्चों को बहुत जरूरी है सारा काम खुद पेरेंट्स ना करें, बच्चों को ओवर पैम्पर्ड करते हैं, मतलब लाड़ प्यार से बहुत ज्यादा रखते हैं, वो भी रीजन बन जाते हैं कि बच्चे केयरलेस हो जाते हैं। चार साल पांच साल का है तो उनकी जो सेल्फ मतलब जो जरूरत की चीजें, अपना बैग रखना, अपना शूज आया तो उतार के सही जगह रखना, अपना टिफिन बॉटल सही जगह, ये सब बच्चों को धीरे धीरे सिखाने से वो पेरेंट्स को चाहिए कि वो करें। पेरेंट्स क्या करते हैं, इस तरीके की हरकतें करते हैं तो पेरेंट्स उसे सही ना करें, वो रियलाइज करें उस चीज को, अगर वो कल को उसे वो चीज ना मिले तो वो रियलाइज करें कि हाँ मैंने ऐसा किया तब मुझे आज थोड़ा रिग्रेट हो रहा है। वो जैसे कि मेरे साथ है, मेरा बेटा स्कूल से आता है, वो चार साल का, साढ़े तीन साल का था, स्कूल जाने लगा, लेकिन वो आता है तो मैं उसे बोलती थी अपना सूज सही जगह रखो, तो उसकी आदत है, वो आएगा सूज उतारेगा फिर वहीं रखेगा, ऐसा इधर उधर नहीं करता है फिर। तो ये पेरेंट्स को भी इसमें बच्चों की मदद करनी चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। आजकल पेरेंट्स बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं बच्चों को। मेरे हिसाब से शिक्षा और संस्कार मनुष्य को महान बनाता है, यदि आपका शिक्षा और संस्कार सही है तो आपका बच्चा सही है, या आपका शिक्षा और संस्कार सही नहीं है तो आपका बच्चा भी सही नहीं है। हिंदी मेरा प्रश्न है, हिंदी वालों से है सभी लोगों से। शालिनी मैम आप अपना अनम्यूट कर दीजिए उसके बाद बोलिए। आवाज आ रही है? जी मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि पेरेंट्स की ही कंप्लेन है कि
स्कूल में सही रख रहा है, स्कूल में सब कुछ अपनी वाटर बोतल सब जगह सेट करता है, लेकिन घर आते आते वो सब चीजों को गायब कर देता है। पेरेंट ही स्कूल कंप्लेन है, मैनेजमेंट, वो कैसे स्कूल करेंगे? स्कूल मैनेजमेंट के हिसाब से संस्कार जो है ना वो फॉलो हो रहा है, ठीक है ना, बट घर पे जाने के बाद उसको ना शिक्षा याद है और ना ही संस्कार याद है, तो वो सारी चीज़ें भूल जा रहा है। वो डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर, तो अपना संस्कार तो सुधारेंगे नहीं और डाल देंगे बच्चों के ऊपर। बच्चा गलती कर तो रहा है, अपना यही गलती देखेंगे नहीं। यही तो हो रहा है आजकल कि पेरेंट आते हैं कि कहते हैं आप टीचर हैं आप ही संभालिए, हमने इसीलिए तो स्कूल में एडमिशन कराया है, सनली मैन, आप आपसे स्कूल में प्रहलाद सर संभालेंगे कुछ घर क्वेश्चन पे कर थोड़े रहे हैं। प्रहलाद संभालेंगे। घर पे तो सर, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि आप उसे संस्कार अच्छे दीजिए, स्कूल का ही पूरी जिम्मेदारी स्कूल की नहीं होती। 5 घंटा छह मैं तो बोल घंटा सभी बच्चे लाइब्रेरियन स्टूडेंट सभी लाइब्रेरियन टीचर से मेरा एक क्वेश्चन है कि बुक जो की जाती है वो स्टूडेंट के लिए कितनी बुक इशू की जाती है और कितने दिन के लिए की जाती है, और मैगजीन्स इशू की जाती हैं तो कितने दिन के लिए की जाती है, और स्टाफ के लिए कितने। बताइए सर। आदित्य सर आपका आंसर दीजिए इसका। भाई और कितने कितने बुक्स इशू की जाती हैं। क्वेश्चन एक बार दोबारा रिपीट करेंगे। जी सर, जो बुक्स इशू की जाती हैं लाइब्रेरी के अंदर स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, और जो स्टाफ होते हैं उनको भी इशू की जाती हैं, तो रश्मि वो उनको वेलकम। कितने यस दिन सर, के अंदर गुड आफ्टरनून वो सर। उनको लौटाना होता है और कितनी बुक्स इशू की जाती हैं। केंद्रीय विद्यालय के बारे में तो पता नहीं, लेकिन हमारे स्कूल में बिहार सरकार के स्कूल में एक बार सर में आप जैसे केंद्रीय पांच विद्यालय में विषय जा है रहे तो हैं तीन बुक को इशू। हाँ जा रहे हैं सर, उसके बारे में, लेकिन यहाँ के विद्यालय में 3 बुक इशू की जाती है बिहार के विद्यालय में, और वो जब तक एग्जाम ना हो तब तक के लिए किया जाता है इशू। एग्जाम के बाद नो ड्यू दिया जाता है, उसके बाद बुक को रिकवर किया जाता है। राइट। और कोई कुछ जोड़ना चाहे। सर केबीएस में आप बताएं, हमें नहीं पता सर। सर मैं बता दूं, और कोई बताना चाहते हैं क्या। नहीं सर, विकास इस आंसर आंसर के दीजिए। बाद आप रश्मि से क्वेश्चन पुट अप करना कंप्यूटर रिलेटेड, या कोशिक आप करना रश्मि से, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होना चाहिए। विकास अपनी बात को कंटिन्यू करो। प्रहलाद सर इसमें पूछ रहे जो थे बुक इशू हिंदी का की कोई जाती है, क्वेश्चन। इसमें जी जो विकास बुक सर, इशू की जाती है वो स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 2 बुक इशू की जाती है, और वो भी 2 वीक के लिए ही केवल इशू की जाती है, स्टाफ और के लिए जो 15, नहीं, स्टाफ के लिए पंद्रह और जी नहीं, स्टाफ जी को 5 बुक इशू की जाती हैं और वो 1 मंथ के लिए इशू की जाती है। जी जी यदि जी मान जी सर लीजिए कि वो चीज बुक समय पे नहीं वापस किया, तो 1 मंथ के ड्यूरेशन पे 2 बार उसको ये बराबर याद दिलाया जाता है कि आपके पास बुक रह गया है, उसके लिए नोटिस जारी किया जाता है। उसके लिए अगर वो बुक नहीं लौटा पा रहा है तो उसको नोटिस बोर्ड पे उसका नाम मतलब पब्लिश कर दिया जाता है। फिर भी यदि बुक इशू बुक वापस नहीं आ रही होती है तो उसके लिए क्या होता है कि ये समझा जाता है, ये मान के चला जाता है कि वो स्टूडेंट से वो बुक खो गई है, या स्टाफ से, यदि स्टाफ यदि ऐसे करते हैं तो सर, उनसे विकास सर, वो। जी सर, अगर सर बुक लेट से कोई पहुंचाता है क्या उसके लिए चार्जेज भी है? जी हाँ ऑफ जी कोर्स जी चार्जेज है चार्जेज सर, होता है सर, क्या चार्जेज चार्जेज ऑफ कोर्स होता है चार्जेज चार्जेज है। वही वही मैं चार्जेज बात लगते हैं बता रहा हूँ सर। सर, कि यदि स्टूडेंट्स उसके लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया रहता है, स्टूडेंट्स अगर बुक वापस नहीं करता है तो करेंट का पेनल्टी जो प्राइस होता है, करेंट जी का जो अभी प्राइस है उस बुक का मार्केट में, वो प्राइस उसके जो जब वो फी डोनेट करता है तो उस समय उस फी के साथ उसको ले दिया जाता है। जी जी मेरा क्वेश्चन है जाता है। सर कि लेट से अगर जमा करता है बुक, तो हाँ सर, तो वो उसके अगर लिए लेट से डिपॉजिट अभी करता है तो जी सर, तो उसके लिए अभी केवी में ये स्पष्ट नहीं पब्लिश किया गया है कि उसका कितना चार्ज देना होता है थैंक यू सर। सर। यदि लेकिन आप लेट तो लेट फी देना होता है सर, ये हम भी जानते हैं कि लेट फी हाँ, देना होता है। लेट फी तो आपको जी देना जी होता है, सर, और उसके लिए आपको फिर बाद में इशू नहीं की जाता। अगर मान लीजिए कि बाद में फिर आपको इशू कराना है तो वो बुक तब जब तक से आप 2 बुक वापस नहीं कर देते हैं तब तक से कोई बुक फिर आपको नहीं मिल पाएगा। जी चलिए सर। वन कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन कौशिक आस्क। मैडम, हाँ, 11th 12th जी में पाइथन लैंग्वेज सिखाई गई है, पाइथन को क्यों चुना गया है इसमें? सर, अभी हमारे यहाँ प्रेजेंट अगर हम बात करें तो सर प्रेजेंट में अभी पाइथन का बहुत ज्यादा स्कोप चल रहा है सर, और जो हमारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लर्निंग सर, वो आपका वो
म्यूट हो गया सर। अभी हम पाइथन को ज्यादा अभी हम लोग सर इम्पोर्टेंट दे रहे हैं सर, और इसलिए पाइथन को ज्यादा भी सीखा जा रहा है सर मार्केट में। मैम मेरा क्वेश्चन है कि क्या पाइथन जो लैंग्वेज है, पाइथन का जो कोडिंग है, आपने बताया नहीं जावा से, आपने बताया कि इम्पोर्टेंट है सर। क्या अभी करंट जो डिमांड है मार्केट की सर, जैसे मार्केट अभी पूरा आपका एआई पे बेस्ड है, अभी आने वाला फ्यूचर में भी पूरा एआई होगा सर, तो सर एआई के लिए आप बोल सकते हो कि ज्यादातर जो पाइथन है वो हम यूज करते हैं, बिकॉज उसमें कोडिंग करना इजी होता है सर। अगर आप और लैंग्वेज में जाओगे जावा में सी में, तो इनमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है सर, तो इसलिए हम पाइथन में। सिंपल वे में एआई को डिफाइन करिए, एआई क्या सर? एआई बेसिकली क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि जैसा हमारा ह्यूमन थिंकिंग पे बेस्ड होता है ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो एआई के अलग अलग होता है कि ह्यूमन है कि वो कैसे आप किसी भी चीज को कैसे वो परसेप्शन करेगा, कैसे सोचेगा, उसकी थिंकिंग कैसे वो डिसीजन लेगा, जैसे इसी तरह हमारी मशीन है वो ही वो डिसीजन लेती है, मशीन इंटेलिजेंस हम बोल सकते हैं एआई है सर। तो जैसे आप क्या बोल सकते हो, क्या कहा जा सकता है इसको कि जो मैन का माइंड होता है वो एक मशीनी उपकरण में फिट कर दिया गया है, जैसे कि हाँ, हम लोग फोटो क्लिक करते हैं तो एक मोबाइल में वो जो चेहरे के ऊपर सर्कल बन जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो जान जाता है कि वो चेहरा कहाँ पे है। दस हाँ, लोग हैं तो दस लोगों के पास में सर्कल बन जाता है, तो वो एआई का ही देन है, और आने वाले समय में बहुत इसका डिमांड है एआई का, एआई के ऊपर अगर किया जाए तो एआई ऑटोमेटिकली जस्ट लाइक समझा जाए कि ये मैन माइंड को एक मशीनी उपकरण के अंदर फिट कर दिया गया। जी सर, एक मैन तो है, क्या वो कैसे डिसीजन लेता है? बताइए मैम, ये बताइए, तो जो हमारे फोन में एक होता है गूगल असिस्टेंट, वो भी क्या एआई का एग्जांपल है क्या? यस मैम, गूगल असिस्टेंट है, सीरी है, एलेक्सा, ये सब एआई के एग्जांपल है मैम। आप कुछ भी उससे पूछोगे तो वो एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आपकी जो भी भाषा है आप किसी भी लैंग्वेज में पूछ रहे हो उसको वो इंटरप्रेट करता है, समझता है, और उसके हिसाब से आपको आंसर देता है। यही हम बोल देंगे इंटेलिजेंस है इसका, ह्यूमन इंटेलिजेंस, और हम बोल देंगे मशीन इंटेलिजेंस। रश्मि मैम, एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है मेरा, क्या कंप्यूटर का माइंड मनुष्य के माइंड से तेज है? मुझे सर आगे वाले समय में हम बोल सकते हैं सर, हो सकता है, ये देखो सर डिसीजन है, अगर हम कोई निर्णय लेते हैं तो वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ऐसे मशीन है, मशीन में हम इस तरह के एल्गोरिथम बनाते हैं सर कि वो डिसीजन सही हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे सर बहुत टाइम पहले एक गेम बनाया था चेस का, जी मैम एक सर मेरे को बताना, एक एग्जांपल चेस का एक गेम बनाया था सर, और उसमें जो सबसे नंबर वन चेस प्लेयर था उसको मशीन ने हरा दिया था सर एआई के टेक्निक से। तो आप बोल सकते हो सर कि आने वाले टाइम में मशीन ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकती है ह्यूमन बीइंग्स? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिन्होंने बनाया था इसको चार्ल्स बेम ने, उन्होंने भी कहा कि मनुष्य का जो माइंड है ना वो मशीन से कई गुना अधिक सोचता है, बस रह गई बात कि मशीन एग्जैक्ट सोचती है और मनुष्य एग्जैक्ट नहीं सोचता है। हाँ, न कि चार्ल्स बेब ने ऐसा न सोचा होता तो न आपके दिन आपके नहीं सर, देखो चार्ल्स बेबेज के टाइम की बात हम बोल सकते हैं, बहुत पुराने, उनको शायद उस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी आइडिया नहीं होगा कि ऐसी कोई टर्म आएगी, लेकिन सर आने वाले आप बोलोगे इलॉन मस्क का पढ़ोगे या किसी और का पढ़ोगे सर, उन्होंने बोला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है आगे वाले टाइम के लिए डेंजर है सर, क्योंकि वो हो सकता है मैन पे ओवरकम कर जाए सर। उनका चार्ल्स बेबेज का टाइम सर बहुत पुराना था, 1960s के टाइम में, और प्रेजेंट टाइम में एआई सर बहुत ज्यादा ओवरकम कर रही है मार्केट। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि फल गिरते हुए सभी ने देखा था, ठीक है ना, लेकिन अम्ल किसने किया? न्यूटन ने। ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा क्यों हुआ? हाँ सर, आप बोल सकते हो कि ठीक है, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम सुनी होगी आपको। सुनिए एक मिनट, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि जो मशीन है वो कैलकुलेशन बहुत अच्छा कर सकती है जैसी प्रोग्रामिंग उसको दी गई है, लेकिन सोचने की क्षमता अलग अलग तरीके से वो इंसान के पास है, वो मशीन वही सोचेगी। आपका आंसर मैं दे दूंगा सोनी मैम, मैं आपका आंसर देता हूँ। हमारे इंडिया में पहले वैदिक गणित पढ़ाया जाता था, ठीक है ना, आप मशीन से जब तक कैलकुलेशन करेंगी मनुष्य तब तक उससे फास्ट कैलकुलेशन करके दे देगा, अब वैदिक गणित बंद हो गया है, नहीं कर पाएंगे सर। लेकिन आप सब कितने परसेंट लोग होंगे वो सर, आप देखिए मुश्किल से 5% या 10%, लेकिन आप देखिए एआई तो आजकल सब यूज कर रहे हैं, 100% लोग यूज कर रहे हैं आजकल हमारे मोबाइल में। आपके प्राइवेसी को लेकर कितना सुरक्षित है ये भी तो बताइए मैम, आपकी प्राइवेसी को लेकर कितना सुरक्षित है? हाँ सर, कौशिक सर बोलिए सर, सॉरी सर बोलिए सर, ये बोल रहे हैं
पीडी क्लासेज में जो भी हमारे भाई बंधु लोग बैठे हुए वो भी इस पे अपना कुछ ओपिनियन दे। दे आर नॉट कंप्यूटर एक्सपर्ट्स इसलिए वो शांत है। कौशिक आप बताइए। कौशिक सर ये बताइए कि हमें ये जानना है कि मशीन कितना सेफ है, ये बताइए प्राइवेसी को लेकर कितना सेफ है। सर हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि मशीन है जो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, जैसे कि मैडम ने बताया कैलकुलेशन हम 2 मिनट में कर सकते हैं, तो हाँ उसकी स्पीड ज्यादा हो सकती है कि हम 2 मिनट में उसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर ह्यूमन बींग को टाइम दिया जाए तो उसे ज्यादा अच्छी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मतलब माइंड उस ह्यूमन बींग के साथ पास ज्यादा है लेकिन स्पीड मशीन के पास ज्यादा हो सकती है, ये हो सकता है। मैम मशीन से ज्यादा ह्यूमन बींग के पास होता है। आपने सही आंसर दिया और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोग ने स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना होगा और उन्होंने कहा मैन पावर जो होता है ना वो किसी मशीन को भी हरा सकता है, बस उसे जानने की जरूरत होती है, क्योंकि मशीन मनुष्य को नहीं बनाई है, मनुष्य ने मशीन को तैयार किया है। मशीन इसलिए बनाया है गया है कोई भी मशीन कि वो हमारा काम आसान कर दे, आसान कर दे, लेकिन अंतर तो हमेशा ही रहेगा मनुष्य में और मशीन में, तो हमेशा ही अंतर रहेगा। बस सारी चीजों को बनाया इसलिए गया है कि वो हमें सुविधा दे। अब अपने घर में एक एप्लीकेशन के बारे में जानना है मुझे। हाँ जी बताइए। ये बताइए सर फेसबुक कितना सेफ है प्राइवेसी को लेकर। पहले हाल में इसके ऊपर बहुत सारे आक्षेप लगाए गए थे कि ये अपना डाटा निजी कंपनियों को बेच रहा है, लेकिन उसके बाद उसने अपनी पॉलिसी अपनी चेंज की है और अभी पहले से ज्यादा अब सिक्योर है। और लेकिन अभी पूरा विश्वास भी नहीं किया जा सकता इन कंपनियों पर। इन कंपनियों को कंट्रोल करने के लिए एक अच्छा कानून हो जाना चाहिए और पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि इन कंपनियों को कंट्रोल किया जा सके। ऐसा ही हर एक कंपनियों के ऊपर भी किया जाना चाहिए। भारत में भी इसके संदर्भ में एक डाटा पर प्राइवेसी कानून अभी लागू करने के लिए सोच रहे हैं। इसके बाद शायद हो सकता है कि कह सकते हैं कि लोगों की प्राइवेसी बचाई जा सकती है। ऐसा कहा जा सकता है कि गूगल जो है और जो है वो हमारे मोबाइल को एक्सेस कर रहा है, यानी अपना पूरा कंट्रोल अपने अंदर ले रखा हुआ है। आप सब कुछ पता है इसको। कह सकते हैं कि आपको कहाँ गए क्या किया, यानी आपकी प्राइवेसी उससे। डाटा प्राइवेसी कानून आना चाहिए लेकिन डाटा प्राइवेसी कानून नहीं आ सकता है सर, क्योंकि वो जो गूगल है फेसबुक है माइक्रोसॉफ्ट है सभी एक ही कंपनी एक ही देश के पास है, वो सब अमेरिका के पास है, वो जब चाहे जब हमारी डाटा लीक कर सकता है सर। हाँ इसके लिए प्रावधान किए गए हैं कि नहीं आ सकता है। ऐसा कहा गया है कि जो अपना डाटा रख रहे हैं वो इंडिया के अंदर ही रखे, उनके जो सर्वर हो इंडिया के अंदर ही हो, जो स्टोरेज हो इंडिया में ही हो, वो बाहर ना भेजे अपना डाटा। इसके लिए सरकार उनको प्रेशराइज कर रही है बड़ी कंपनियों को। आने वाले समय में हो सकता है कि कंपनियां सब अपना डाटा इधर ही रखेगी, इंडिया में रखेगी। रश्मि मैम आप बताइए। अलग अलग देश अलग अलग कंपनी अपना रख सकती है सर, लेकिन सभी देशों का सर सर्वर सब जगह पे होता है सर, जैसे हमारा कुछ सर्वर पानी के अंदर भी होता है सर, सर्वर सब जगह पे एग्जिस्ट है, क्लाउड पे भी एग्जिस्ट करता है सर्वर हम बोल सकते हैं सर। तो बेसिकली सर्वर हर जगह पे होता है सर ये, और आप ये सर सही बोल रहे हैं कि अगर हम इंडिया का डेटा इंडिया में ही रखे तो ज्यादा सिक्योर्ड है हमारे समय का प्रोसेस। हाँ सर प्रोसेस अगर हम ऐसे करें कि इंडिया वाले अगर विद ऑल ऑफ यू बट सिंस इट्स अ लिमिटेशन ऑफ टाइमिंग्स ओके, तो अगर सेशन हमारा कंटिन्यू चले ऐसा रेगुलर बहुत अच्छा है, मगर ये छोटे सेशन के अंदर हम बहुत लाइफ जी लेते हैं राइट। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ रियली, और हमारे जो कैंडिडेट है उनको ये इनका फर्स्ट डे, इनको बेस्ट विशेस दे दीजिए, और इनका सेवंथ डे इनको भी बेस्ट विशेस दे दीजिए ओके। इतना ही समय हमारे पास बचा है दोस्तों, और अगर कुछ और कुछ कहना चाहता है कोई पर्सन तो प्लीज कहिए। एनीबॉडी वांट टू स्पीक समथिंग? हाँ जी विकास जी आप क्या कह रहे हैं सर? हमारे पास अभी कितना टाइम है? सेकंड्स है करीबन।